हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और ये है अपना चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप तो फिर आपको राइट साइड कॉर्नर पे एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखेगा, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है डोनेटिंग ब्लड इज ए ह्यूमैनिटेरियन एक्ट एज पर अ सर्वे 16,000 ब्लड डोनर्स आर रजिस्टर्ड विथ रेड क्रॉस इन दिल्ली एंड दिस नंबर ऑफ डोनर्स इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% एवरी 6 मंथ्स। तो ये जो ब्लड डोनेट करने का जो काम होता है ये मानव सेवा का काम कहलाता है, एक अच्छा काम कहलाता है। ओके, तो ये तो हम लोग समझ गए। आगे क्या कहता है, एज पर अ सर्वे, एक सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग 16,000 ब्लड डोनर्स आर रजिस्टर्ड। कितने रजिस्टर्ड हो गए, 16,000 ब्लड डोनर्स रजिस्टर्ड हो गए रेड क्रॉस जो कि एक संस्था है ना दिल्ली में, उसके साथ रजिस्टर्ड हो गए ब्लड को डोनेट करने के लिए। और यहाँ पे आगे कहता है एंड दिस नंबर ऑफ डोनर्स इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5%, 5% के रेट से इंक्रीज कर जाता है एवरी 6 मंथ, हर एक 6 मंथ्स में 5% इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे अब क्वेश्चन करता है हाउ मेनी डोनर्स वुड बी देयर एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर्स। तो 1.5 ईयर्स के बाद कितने ब्लड डोनर्स वहाँ पे हो जाएंगे रजिस्टर्ड, ये हमको बताने हैं। और अगला क्वेश्चन है वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू डोनेट ब्लड और वुड यू टेक टू इनकरेज पीपल टू डोनेट ब्लड। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो ये जो हमारा 16,000 है ना ये हमारा प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 5% आपका हर एक 6 मंथ में इंक्रीज हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, ठीक है, इस तरह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स, ये हमारा है 16,000 आप देख सकते हैं, और रेट ऑफ इंक्रीज जो होता है वो 5% पर 6 मंथ, हर एक 6 मंथ में 5% बढ़ जा रहा है, यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। आगे है टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 1.5 ईयर्स है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये आप देखिए 2 यहाँ पे हो जाता है 3/2, और ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 3 ईयर्स। तो टाइम को हम यहाँ 3 ईयर्स करेंगे, और जो रेट हमारा है, रेट हमारा तो यहाँ पर दे दिया है 5% पर 6 मंथ, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे 5% लिखा होता और फिर लिखता कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो उस कंडीशन में हम ऐसा करते कि इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पे 6 मंथ्स में ही ये चेंज हो जा रहा है, लागू हो जाता है। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका 5% ही रह जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5% पर 6 मंथ में इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका है 1.5 ईयर्स, तो आपका कितना कितना 6 मंथ हो जाएगा। जब आप 1.5 ईयर की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 3 6 मंथ हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 × 6 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए 3 × 6 मंथ हो जाते हैं, तो फिर आप उसको जब टाइम कंसिडर करेंगे, काउंट करेंगे, तो 3 टाइम्स कंसिडर हो जाएगा। तो 3 टाइम्स कंसिडर हो रहा है, इसलिए हम टाइम को यहाँ पर कितना ले रहे हैं, 3 ईयर्स ले रहे हैं। तो आइए अभी हमारे पास जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे अमाउंट निकालने का, वो हम फॉर्मूला लगा देंगे। और ये फॉर्मूला हमारे पास होता है P, तो P के जगह तो हम 16,000 रखने वाले हैं, 1+R के जगह हमारा 5 ही रहने वाला है, और यहाँ पे 100 डिवाइड मिलेगा, और टाइम के जगह हम 3 रखेंगे। 3 क्यों रखेंगे ये मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि हर एक 6 मंथ में 5% बढ़ जाता है, तो यहाँ पे टाइम हमारा है 1.5 ईयर्स, इसका मतलब 3 टाइम्स बढ़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम की जगह 3 पुट कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हो गया 16,000, ये हम यहाँ 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं,
तो यहाँ पे हमको 1 और यहाँ पे 20, और ये देखिए 20 और 1 मल्टीप्लाई के 20 और 1 प्लस कर लिए तो 21 अपॉन 20, और ये हमारा यहाँ पे पावर क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो चलिए हम आगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 21 का जब हम क्यूब करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, ये हम लोग को पता है 9261 होता है। तो हम यहाँ पे 9261 पुट करेंगे और 20 का क्यूब करते हैं तो 8000 आता है। हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारा ये 3 जीरोस कैंसिल आउट हो जा रहा है, 8 से हमारा 16 कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स में। तो अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जब इसको हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 18,522। तो इतने पीपल्स जो हैं, इतने ब्लड डोनर्स हमारे रजिस्टर्ड हो जाएंगे कितने दिनों के बाद, 1.5 ईयर्स के बाद। तो ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए हम यहाँ पे बी नंबर और सी नंबर का आंसर को नोट कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर बी है इस पर क्या कहा गया है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू डोनेट ब्लड, ब्लड को डोनेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, और दूसरा व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू इनकरेज पीपल टू डोनेट ब्लड। तो यहाँ पे हम बी नंबर पे लिख सकते हैं, जो ब्लड डोनेट करना है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो किसी के जीवन को हम बचा सकते हैं ब्लड डोनेट करके जिसको आवश्यकता होती है, फॉर सेविंग समवंस लाइफ, इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं तो पीपल को इनक्रेज करने के लिए, हम लोग बता सकते हैं लोगों को कि इम्पोर्टेंस लाइफ का कितना होता है किसी के लिए, ओके। तो इसलिए वो अगर हम इम्पोर्टेंस बताते हैं लाइफ का तो वो अपने आप में उसमें इनिशिएटिव आएगा और वो ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो टेलिंग पीपल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, इतना हम लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे कहा गया है अ टाउन हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 2,50,000, किसी टाउन में इतना पॉपुलेशन है, द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 4% पर एनम, हर एक वर्ष ना 4% जो है ना ये पॉपुलेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम लोग से पूछा गया है व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा। आगे है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सच अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतना तेज़ी से बढ़ता है तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं वो भी हमको बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, तो बहुत ही सिंपल वे में हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है, रेट ऑफ ग्रोथ 4% पर एनम है, तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स पूछा गया है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ए निकालने का वो हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये होता है हमारे पास पी, ओके। तो पी का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, 2,50,000, और 1 प्लस आर, आर देखिए यहाँ पे 4% है, अपॉन 100, और टाइम पीरियड हमारा यहाँ पे कितना हो जाता है 3। तो ये इस फॉर्मूला का यूज कर लिए हम लोग, इसको सॉल्व कर ले तो ये 4 से हमारा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 25 आता है, और ये हमारा यहाँ पे 1 हो जाता है, बच गया है। देखिए अगले स्टेप में वो क्या मिलता है, 2,50,000 हमारे पास आ गया, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 और 1 इसमें ऐड कर दिए, क्या हो गया 26 अपॉन 25 हो गया, और यहाँ पे हमारा पावर में क्या रहेगा ना, 3 रहेगा। चलिए अगले स्टेप की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 2,50,000 अभी रहने दीजिए, ये हम लिखेंगे 26 अपॉन 25, 3 टाइम्स नोट कर लेते हैं, इजी हो जाता है, कैंसिल आउट करने में हमको सुविधा हो जाती है। तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 25 से 25 कैंसिल, और यहाँ पे आपके 4 जीरोज आ जाएंगे, ओके। फिर 25 से आपका 100 कैंसिल, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाता है ना, आपका यहाँ पर आ जाता है 2 जीरोज, ओके। तो यहाँ आपका 4 टाइम्स में कैंसिल होता है तो 400 होगा, फिर आपका 25 से ये आपका 400 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 16 टाइम में। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 26 है, 26 का क्यूब यानी 3 टाइम्स करेंगे तो 17,576 मिलता है, फिर इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको मिलता है 2,81,216, इतना पॉपुलेशन हो जाएगा 3 ईयर्स के बाद टाउन का। तो ये तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। दूसरा कहता है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सच अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो इसका हम यहाँ पे आंसर नोट कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा सिंपल होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, ये सारे कारण्स होते हैं पॉपुलेशन
के कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। ओके।